हेलो भाई, मेरा नाम है प्रतीक। आ चुका हूँ अपने एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई डार्क पर्पल कलर के शेड की। ये आप देख रहे हैं, इसका कलर का नाम है आयरिस इम्पैक्ट। इसका कलर कोड है 7109। आपको शायद कैमरे में क्लियर ना दिख रहा हो। बाकी आप जो शेड देख रहे हैं ये इसका लाइट कलर के शेड हैं सारे पर्पल कलर में, और ये डार्क कलर का शेड है। डार्क कलर आप कर सकते हैं एक दीवार पर या उसके आमने सामने वाली दीवार पर, बाकी लाइट कलर कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार जहाँ भी आपको करना हो। तो ये कलर बनाने के लिए हमें बाल्टी चाहिए होगी एशियन पेंट्स AC 21G बेस की। चूँकि ये डार्क कलर है तो ये बेस में ही बनेगा, आप इसको हाथ से बना सकते हैं। हालांकि आप इसको हाथ से अगर बनाना चाहें तो आप इससे मिलता जुलता लाइट कलर बना सकते हैं, लेकिन डार्क ऐसा कलर आपको अगर चाहिए तो आपको कंप्यूटर से ही ये कलर बनवाना पड़ेगा अपने पेंट डीलर शॉप पर, जो भी आपके कस्बे शहर गाँव में आसपास हो। तो तीन कलर इसमें पड़ेंगे, जो है मैजेंटा, ब्लू और ब्लैक। मैजेंटा की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक पर्पल कलर है, और ब्लू की रहेगी लगभग 12-14 ml, और ब्लैक की रहेगी लगभग 10 ml के करीब। जो मशीन से ये क्वांटिटी पड़ी है उस क्वांटिटी की मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मशीन से कलर मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि बनने के बाद ये कलर कैसा लगेगा। तो तीनों कलर लगभग लगभग हमारे इस बाल्टी में पड़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको नाम बताया, मैजेंटा, ब्लू और ब्लैक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देर किए, और इस बाल्टी को बंद करके शेक करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे लास्ट में कलर का फाइनल आउटपुट। इसको अच्छे से सेक करने के बाद हम इसको खोलते हैं तो कलर कुछ मिलता है ऐसा। और अगर आप आपको मैच करके दिखाऊं सेट कार्ड से तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन सूखने के बाद ये परफेक्ट फिट हो जाएगा।